नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आप सब लोगों के लिए बहुत ही प्यारे टॉपिक, जो आप सबकी डिमांड है कि जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं उनके लिए जो डिसेबिलिटी है वो क्या है, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, कैसे मिलती है, एक डिसेबिलिटी होती क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी होती है एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटीज इन जनरल फिजिकल स्ट्रक्चर ड्यू टू विच द फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑफ द पर्सन इज अफेक्टेड एंड हिज हर मोमेंट्स सेंसेज और एक्टिविटीज आर लिमिटेड इज कॉल्ड डिसेबिलिटी। तो आपकी जो भी आपके बॉडी में फंक्शन है और उसको रोकती है कोई भी चीज़, तो वो आपकी कहलाती है डिसेबिलिटी। वो हो सकती है आपकी स्पीकिंग में, हियरिंग में, विजन में, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं कि कितनी होनी चाहिए। जो हमारा संविधान है उसमें सभी एक तरह से कार्य करें और उनमें कोई हीन भावना न हो, इसको मद्देनजर रखते हुए तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिसेबल पीपल के लिए जो डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है, 40% एंड इससे ज़्यादा है, तो उसको रिजर्वेशन दिया जाता है और ये डिक्लेयर होती है आपकी मेडिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा। और ये हो सकती है ब्लाइंडनेस, विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोको मोटर डिसेबिलिटी एक्सेट्रा, तो ये हो सकती है। और इनमें होता है आपका 40% या उससे ज़्यादा हो तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अब बेनिफिट कितना मिलता है वो हम बताते हैं। यह है परसेंटेज ऑफ सीट रिजर्व फॉर डिसेबल्ड कैंडिडेट, वो होती हैं आपकी 3% सीट होती हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है 1955 के अनुसार, ये आपकी 3% है, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी राइट प्रोटेक्शन एंड फुल पार्टिसिपेशन ऑफ द कैंडिडेट, इसलिए ये 3% दी गई है इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए और राइट प्रोटेक्शन एंड फुल पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ये फैसिलिटी दी गई है। और 3% कैसे कैसे हैं वो भी बताता हूँ मैं। 3% सीट ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर रिजर्व फॉर द डिसेबल्ड, 3% होती है आपकी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन में। रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब 3% होता है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम में रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उसमें भी 3% होता है। फिजिकली चैलेंज पीपल आर गिवन अप टू 10 ईयर एग्जाम इन एज लिमिट इन गवर्नमेंट जॉब, 10 साल होता है फॉर जनरल के लिए। इन केस ऑफ ऑल सर्विसेज रिलेटेड टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट 10 ईयर्स ऑफ एलिसेशन ऑफ फॉर ब्लाइंड डी फिजिकली हैंडीकैप्ड और पर्सन सफरिंग फ्रॉम सर्बल पैलसी। फिर है एक्स्ट्रा 15 ईयर्स एग्जाम इन एज लिमिट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पीपल एंड एक्स्ट्रा 13 ईयर एग्जाम्पशन इन एज लिमिट फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो इस तरह से आपका रिजर्वेशन होता है। और ये 3% में क्या क्या है, कौन कौन सी इसमें होता है, ये फॉर ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ग्रुप ए बी सी एंड डी पोस्ट 3% ऑफ द सीट आर रिजर्व फॉर द डिसेबल्ड आउट ऑफ विच वन ऑफ रिजर्वेशन इज डिटरमाइंड फॉर ईच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। यानी कि टोटल 3 प्रकार का होता है और उनमें से 3 तरह की डिसेबिलिटी होती है, 1% उन तीनों डिसेबिलिटी के लिए होता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब वो तीन कौन कौन सी होती हैं वो बताते हैं अभी हम। ये देखिए, फॉर रिजर्वेशन द पर्सन विच डिसेबिलिटी इज रिक्वायर्ड टू कन्फर्म 40% और मोर डिसेबिलिटी वैलिडेटेड बाय द मेडिकल एक्सपर्ट। जो मेडिकल एक्सपर्ट लिख देगा कि 40% का उसके पास सर्टिफिकेट है, वो 3% कैसे बटती हैं, 1% ऑफ रिजर्वेशन फॉर ब्लाइंडनेस, ठीक है, 1% होता है ब्लाइंडनेस के लिए, विजन ब्लाइंड विजन, ठीक है। फिर 1% ऑफ रिजर्वेशन फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट और 1% होता है सेरेब्रल पैलसी, जिसको बोलते हैं हम लोको मोटर डिसेबिलिटी, ठीक है।
तो ये हो जाता है इनके लिए। अच्छा, अब है इफ ए पोस्ट इफ ए पोस्ट इज सुटेबल फॉर ए कैंडिडेट विद ए टाइप ऑफ डिसेबिलिटी देन देर इज ए प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर द दैट पोस्ट ओनली टू द कैंडिडेट विद द सेम डिसेबिलिटी। इन सच ए केस 3% रिजर्वेशन विल नॉट बी डिटेक्टेड। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये वर्क करता है आपका हैंडीकैप्ट के लिए, जो आपके डिसेबल्ड बंदे हैं, तो ये रूल हर जगह लागू होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, आपको अच्छे लगे होंगे तो कमेंट करना, और हमें आपके कमेंट्स और लाइक से और शेयरिंग से हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।